कंडेंस मिल्क बहुत सारी रेसिपीज में यूज होता है और हम अक्सर इसको बाजार से खरीद के लाते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सिर्फ दूध से बनने वाले एकदम क्रीमी और स्मूथ कंडेंस मिल्क की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसको कि आप बनाकर बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार कंडेंस मिल्क इस तरह से बना लिया तो आप कभी भी बाजार का कंडेंस मिल्क नहीं खरीदेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए चलिए देखते हैं बिना मिल्क पाउडर के कंडेंस मिल्क बनाने की एक बहुत ही आसान रेसिपी। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 कप फ्रेश दूध लिया है। तो आप गाय का दूध, भैंस का दूध कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप शक्कर, मतलब 1 कप और 1/4 कप। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो शक्कर हम इसमें पहले इसलिए डाल देते हैं जिससे शक्कर कैरमलाइज्ड हो जाएगी और कंडेंस मिल्क में अच्छा सा कलर और खुशबू आएगी। और इसको अब हम लगातार चलाएंगे और करीब 15 से 20 मिनट तक फुल आंच पे पकाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको हमें लगातार चलाना है क्योंकि अगर इसमें मलाई आ जाएगी तो कंडेंस मिल्क स्मूथ नहीं बनेगा, उसमें लम्स आ जाएंगे। इसको मुझे चलाते हुए थोड़ा देर हो चुकी है और आप देखें दूध जो है वो और भी पतला हो गया है अब, क्योंकि शक्कर ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, उससे दूध और भी पतला हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कंडेंस मिल्क बनाते समय नॉनस्टिक पैन या कढ़ाई का यूज़ करें। आप नॉर्मल स्टील का पैन भी यूज़ कर सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि उसमें जब दूध गाढ़ा होने लगता है तो चिपकना शुरू हो जाता है और फिर हमारा कंडेंस मिल्क जो है वो ठीक नहीं बनता है। तो बस हमें इसको चलाना है फुल फ्लेम पे जब तक ये अपनी क्वांटिटी से आधा ना हो जाए। ये देखिए, दूध को मैंने बॉईल करके एकदम आधा कर दिया है और ये देखिए एकदम स्मूथ है ये, और अभी आपको ये पतला दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम इसको मिलाते जाएंगे, ये देखिए कितनी तेज़ी से इसमें फोम बन रहा है, और आप इसको लगातार चलाते रहें तो थोड़ी देर में आप देखेंगे दूध जो है वो थिक हो जाएगा। तो आप थिकनेस देख लें, ये थिक होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कंडेंस मिल्क इतना थिक नहीं है तो आप उसमें थोड़े से सोडे की मात्रा और डालें और थोड़ा सा उसको बॉयल कर लें। तो हम इसको लगातार चलाते रहेंगे अभी, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें मलाई की एक लेयर आ जाएगी और कंडेंस मिल्क ठीक नहीं बनेगा। तो आप इसको इससे ज़्यादा थिक नहीं बनाएं, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ये और थिक होता जाएगा। तो बस अब हमें इसको ठंडा करना है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको स्टोर कैसे करना है जिससे कि काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब ना हो। कंडेंस मिल्क अब ठंडा हो चुका है, ये देखिए कितना क्रीमी और थिक हो गया है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि पहले आप कंडेंस मिल्क को बहुत गाढ़ा नहीं करें, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता है वैसे वैसे ये थिक हो जाता है। इसको स्टोर करने के लिए आप इसको एक साफ और ड्राई कांच की बोतल में भरें और आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 2 हफ्ते के लिए, और फ्रीज़र में ये 3 महीने तक ख़राब नहीं होता है। अगर आप इसको फ्रीज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने से पहले इसको आपको थॉ करना पड़ेगा। आप इस कंडेंस मिल्क को यूज़ कर सकते हैं मिठाई, आइसक्रीम्स और केक्स बनाने में। तो अब आपको बाज़ार का कंडेंस मिल्क खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दूध से आसानी से कंडेंस मिल्क घर पे ही बना सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और हमें फीडबैक में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।